नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक आप सभी के लिए बहुत जरूरी सूचना आई है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए और बहुत सारे इसके लूप होल हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पीईटी 2023 का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपकी नोटिस जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, आज से ही आपके आवेदन चालू हैं। सब कुछ वही पुरानी बात है, पुराना पाठ्यक्रम है, पुराना आपका जो सिलेबस है वही आपका एग्जाम पैटर्न है, वही आपसे 185 रुपए लिए जाएंगे। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय इस बात की कि इन्होंने एक लाइन जोड़ दिया है कि पीईटी 2022 का जो रिजल्ट आया था वो 25 जनवरी को आया था। इसका मतलब कि अब जो पीईटी 2023 से जितने भी एग्जाम होंगे इनके एग्जाम 24/1/2024 के बाद वाले एग्जाम काउंट किए जाएंगे, उससे पहले वाले तो पीईटी 2022 से ही काउंट किए जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे दे देता हूं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी हम लोग को जो चाहिए वो था पीईटी के लिए कॉमन कट ऑफ। हालांकि इसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं। क्या है, जो नए बच्चे हैं, क्योंकि नए बच्चों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो पूछते रहते हैं अक्सर, सर पीईटी क्या है। जो नए होते हैं फ्रेशर, अभी तो उन्हें यही नहीं पता है पीईटी क्या है, तो इन शब्द में आपको बताऊं कि पीईटी आपके करियर को खराब करने का एक जरिया है, आप ऐसे बोल सकते हो। कुछ नाम मात्र बच्चों के लिए बार बार क्या होता है, यहाँ पे एक मौका है कि एक ही बार एक ही ग्रुप का बच्चा बार बार सारे फॉर्म भरे, बाकी सारे बाहर हो जाए, आप ऐसे समझ सकते हो इन शॉर्ट। हालांकि विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि 1/8/2023 हो गया है। ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क है वो 1/8/2023 से ही है, मतलब कि आज से ही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त दिया गया है, और अगस्त शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो संशोधन करना है वो 6/9/2023 का है। बाकी इन्होंने तमाम बातें जो कर रखी हैं वो सेम कर रखी हैं। इनमें जो कुछ चीजें अलग है, ऑनलाइन आवेदन इसमें कुछ आपको बताया नहीं है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होती है 100 नंबर की होती है, एक नंबर पॉजिटिव होता है, 0.25 इसका निगेटिव होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, और पीईटी का नॉर्मलाइज स्कोर भी आता है और रॉ स्कोर भी आता है, लेकिन पीईटी के परसेंटाइल के आधार पर नहीं, पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर विभिन्न विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आपका चयन होता है, उसके हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जबकि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब अगर 24/1/2024 के पहले पहले कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का मुख्य परीक्षा आती है तो वो पीटी 2022 से होगी, वो पीटी 2023 से नहीं होगी। मतलब पेपर आप अभी दोगे, रिजल्ट आपका जनवरी तक आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा फिर जो विज्ञापन आएंगे वो आपका 2024 वाले 2023 वाले पीटी में क्या होगा, मान्य होगा। इस बात को आप समझते हुए चलो, बाकी आयोग की परिधि में आने वाले पद जो है इन्होंने वही बोला है, सारे समूह खा और समूह गा के पद हैं। इसमें आपके जो सचिवालय के पद समूह खा गा हैं वो भी हैं, या अन्य जो विभाग हैं वो इनके नियंत्रण में हैं, वो सारे के सारे इनमें क्या होंगे, इनमें इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी सारी बातें वही हैं आवेदन वाली, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग जो सिलेबस नहीं देखे उनको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। आयु सीमा इसमें 18 से 21 मिनिमम और 40 इसका क्या किया गया है, मैक्सिमम किया गया है, ठीक है, 18 से 21 मिनिमम और 40 इसका मैक्सिमम किया गया है। बाकी सारी जो छूट है वैसे जैसे राज्य सरकार में दी जाती है वैसे ही दी जाएंगी। स्कोर की वैधता एक वर्ष तक इसके लिए भी दिया गया है, और जो आपके मेन मेन सब्जेक्ट हैं वो आपके वही 5/5/10/10 नंबर वाले हैं। जैसे भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर का है, ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का है, भूगोल आपका 5 नंबर का है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी भी आपका कितने का है, 5 नंबर का है, सीधा भारतीय संविधान 5 नंबर का है, फिर आपका सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का है, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर का है, और इसमें देखा जाए तो जनरल हिंदी भी 5 है, अंग्रेजी भी 5 है, तर्कशक्ति भी 5 है, मतलब रीजनिंग का, करंट अफेयर्स 10 है, जनरल अवेयरनेस 10 है, और उसके बाद आपका अपठित गद्यांश वगैरह ये आपके 10 हैं, और ग्राफ और तालिका भी 10, ग्राफ भी 10 और तालिका भी 10। तो अल्टीमेटली वही 50 ओवरऑल जीएस है, जिसमें आपका 30 कोल जीएस है, 20 आपका करंट और जनरल अवेयरनेस है, आपके 30 रीजनिंग साइंस और आपके क्या मिले हैं, डीआई मिला के हैं, और 20 क्वेश्चन आपका कौन सा है, 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पार्ट है, मतलब कि आपका हिंदी और इंग्लिश पार्ट है, ठीक है, ये आप इतना दिमाग में रखते हुए चलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक वो
जो प्रत्येक वर्ष पीटी की परीक्षा दे रहे हैं, पीटी में परसेंटाइल कम रह गया तो वो अपना सुधार करना चाहते हैं। मतलब दो प्रकार के बच्चे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। और इन दोनों प्रकार के बच्चों को मैं साथ में लेके हुए चलते हुए एक रणनीति और आपको पाठ्यक्रम में तैयारी कैसे करनी है उनको मैं चर्चा यहाँ पे करता हूँ। तो ऐसे बच्चे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब इससे पूर्व भी पीईटी जिन्होंने दे रखा है, हो सकता है उनकी परसेंटाइल 70 हो, 75 हो, 80 हो, और एकाद परसेंटाइल या एकाद अंक से या दशमलव के अंक से कई बार कोई परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब हमारा स्कोर अच्छा हो। उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो नोट्स है, नोट्स आप रिवाइज करिए, आप अपडेटेड बेस्ट से बेस्ट जो अद्यतन नोट्स है आप अपडेटेड नोट्स को पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और टॉपिक वाइज एक बात ध्यान देना कि इसमें भी दो पार्ट आपके अलग अलग हैं, एक आपके मैथ्स वाले भी और एक आपके जीएस वाले भी। क्या है कि जीएस आपका लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर रहा है, मैथ्स और रीजनिंग डीआई आपका 30 क्वेश्चन कवर कर रहा है और भाषा आपका 20 क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो मैथ्स जिसकी स्ट्रांग है उनकी जीएस कमजोर हो जाती है, जिनके जीएस स्ट्रांग है मैथ्स कमजोर हो जाती है। बट एक बात आप समझिएगा कि ये ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बहुत डीप स्तर पे नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है और ऊपर ऊपर कॉन्सेप्चुअली जैसे पेपर अधीनस्थ बना रहा है वैसे कॉन्सेप्चुअली जीएस में। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बेसिक पढ़ना है, जीएस में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको सुधारना है। दूसरा बच्चा जो फ्रेशर है, जो नया बच्चा है, उसको मैं बता दूं जो एक बार भी पीटी नहीं दिया है, अभी 12th पास जस्ट हुआ है या ग्रेजुएशन जस्ट किया है, उसके लिए मैं बोल दूं कि कॉम्पिटिशन की दुनिया में आया है उसको, आपको तो अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, ये बात आप समझते हुए चलिएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, रिवाइज करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब कहीं ना कहीं आप इन बच्चों से तो पीछे हो, लेकिन पीछे हो इसका मतलब नहीं कि आप इनके बराबर या इनसे आगे नहीं जा सकते हो। आपकी मेहनत और आपके पास सही जो क्या हो सकता है, आपके पास जो रिसोर्सेज कंटेंट है वो आपको अगर बेहतर मिल गए तो आप इनके बराबर आ सकते हो। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकली सोचते हुए चलना कि ऑलरेडी ये लोग एक एक दो दो नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं या रह जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पीटी का रूपरेखा कुछ ऐसा हो गया। हालांकि अब एक बात आती है कि अगर ये इसी पैटर्न पे चलता रहा तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। और मैं एक शुरू से हमेशा आपसे बोलता रहता हूं कि एक क्या होना चाहिए, एक कॉमन कट ऑफ पीटी, जो इनके परसेंटाइल स्कोर का मेरिट का आधार जो ये कर रखे हैं, मेरिट से अच्छा है कि अगर ये कॉमन कट ऑफ कर देंगे तो बहुत सारे बच्चों को क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझना कि ये कॉमन कट ऑफ मैं नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग संस्थाओं में अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरा इतना रोल है मैं सारे बच्चों को एकजुट कर सकता हूँ, सारी संस्थाओं को एकजुट कर सकता हूँ, सारी संस्थाएं सारे बच्चे एक लय में बोलेंगे तो एक बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन आपको अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी। जो बच्चे चाहते हैं कि कॉमन कट ऑफ के लिए आवाज उठाई जाए, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर रिप्लाई करें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे 91 29 69 70 80 इस पे व्हाट्सएप भी करते रहें, ताकि जो भी एक आप लोग का ग्रुप बना दिया जाएगा और यहाँ से जो भी एक कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, आयोग जाया जा सकता है, अगर धरना प्रदर्शन करने की बात आई तो वो भी किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके हित में काम हो, और अगर आप एग्री हो तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए। बाकी पीटी का तो विज्ञापन यही है और तैयारी आपको करना है। जो बच्चे तैयारी, अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ये तो ठीक है, ये सब होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ, मैं इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रिपरेशन पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगा तो हो जाऊँगा, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कॉमन कट ऑफ है कि नहीं है। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि भाई आपके लिए पहली बात तो इसमें कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं है। एक बात बहुत क्लियरली आप समझिएगा, पीईटी क्या है, पीईटी एक कोचिंगों का बिजनेस बन चुका है और परीक्षा प्लस कभी भी बिजनेस करने में बिलीव रखती नहीं है, हमेशा वो चाहती है जो छात्र हित में रहो। अभी मैंने आपको 2021 में भी इसको कोर्स को पढ़ाया, 2022 में भी कोर्स को पढ़ाया, अब 2023 में आपको मैं इसमें नया फिर से सेम चीजें होगा क्या, मैं आपको वही रिकॉर्डेड वीडियो देकर मैं आपको लाइव के नाम पे वही रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दूंगा। इस बार आपका परीक्षा प्लस पीईटी के लिए कोई अलग से कोर्स लेके नहीं आ रही है, जो लेके आ रही है वो क्या लेके आ रही है कि आपके लिए प्रैक्टिस एक हाइब्रिड बैच लेके आ रही है, कि जो बच्चे कहीं ना कहीं फ्रेशर हैं, अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाह रहे हैं, वो उस वीओडी से ही जो आपका पुराना बैच था UP SSC PET 2022 वही बैच है, आपके सेम कॉन्सेप्ट है, आप उससे जुड़ जाएंगे, आप वहां पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त ये तो हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारे लिए निःशुल्क ही है, हम मान के चल रहे कि हम इसे निःशुल्क दे रहे हैं। इसमें आपके लिए बहुत अच्छी चीजें ये कर रहे हैं हम लोग कि अब जो आ रहा है इसमें आपको अपडेटेड कंटेंट दिया जा रहा है।
ये ध्यान दीजिएगा। अब इस बैच में कि सारे नोट्स आपको क्या कर देंगे कि अपडेटेड आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है, साथ में ही आपको 50 प्लस टेस्ट दिया जाएगा और इसके साथ ही आपको MCQs जो सेशन है और साथ में ही जो इंपॉर्टेंट MCQ PDF है वो सबको सम्मिलित करके आपको इस कोर्स में दिया जा रहा है। मतलब पुराने जो आपकी वीडियोस थी वो तो है ही हैं, अपडेटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे, पुराने जो नोट्स हैं वो तो है ही हैं, इसके अतिरिक्त जो आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर का जो सॉल्यूशन हो सकता है, उनके जो रणनीति हो सकते हैं उनके बारे में, और ये 50 प्लस टेस्ट, इस 50 प्लस टेस्ट में हम इसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि किस प्रकार से आपका ये कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा कि इस बार आपका 499 में ये बैच मिनिमम प्राइस में लाया जा रहा है। इसमें आपको बीओडी आपको बैचेस दिया जा रहा है, बीओडी क्लास दी जाएगी, मतलब जो इससे पहले किया जा रहा है। इसमें आपके लाइव सेशन होंगे, लाइव सेशन में आपको क्या होंगे, लाइव सेशन में आपके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सेशन आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको 40 सेक्शनल टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब सेक्शनल टेस्ट आपको कैसा दिया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, हमने पूरे इसको चार पार्ट में तोड़ा है। चार पार्ट कौन सा, 30 आपका कोर जीएस जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस ये वाला पार्ट मौजूद है। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, फिर 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स, फिर रीजनिंग और DI, इसे हम लोग अलग पार्ट को कर रहे हैं, और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश, और इसी में आपका गद्यांश पद्यांश जो है वो सारे ही इंक्लूडेड है। मतलब इन चार पार्टों के अलग अलग सेक्शन है, प्रत्येक के आपको 30 क्वेश्चन के 10, ऐसे ही 10 इसके, टोटल 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि टोटल आपको 40 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको कराया जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा, यानी कि 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको कराया जाएगा। सारे जो नोट्स होंगे वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपडेट किए जाएंगे और आपके लिए जितना सुचारू रूप से, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है कि आप उसे केवल पढ़ के और बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी नोट्स से आ जाए। ये आपको करना है। आपको अगर तैयारी, जो बच्चे फ्रेशर हैं या जो पुराने बच्चे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें वीडियोस में कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, केवल आपके लाइव सेशन, MCQ सेशन और PYQ जो पेपर है उनको सॉल्व कराया जाएगा, और जो आपकी गाइडेंस वगैरह हो सकती है, रणनीति वगैरह हो सकती है, वो चीज़ें लाइव होंगी। बाकी हम लोग टेस्ट पे और नोट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही कंप्रेहेंसिव इस बार हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ये आज ही से इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी। फीस इसकी 999 है, अभी इसका 50% ऑफ पे ये चल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये करो, और साथ में अगर आप हमारे साथ आवाज उठाना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर कहें कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूं सर, आप एक बार इनिशिएट तो करिए, क्योंकि मैं इनिशिएट कर दूं मेरे साथ चार लड़का भी नहीं आएगा, तो हमारी टीम भी डिमोरलाइज होगी और शायद हम भविष्य में ऐसा कदम दोबारा उठा भी ना पाए। हम नहीं चाहते कि आपके चक्कर में फिर हमारी संस्था पे तो आँच आए ही और आप लोग अपना ही मतलब ही बने रहो, तो थोड़ा सा तो आपको अपने हित में, हम अगर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, कोई संस्था इस पर आवाज नहीं उठा रही मुझे पता है, और अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तो ये आप करिए। बाकी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए भी, ताकि एक सही दिशा में हम लोग एक रणनीति बना भी सके। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।